माथुर जी को बहुत बहुत हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जो हमें बुलाया, एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, लवली आफ्टरनून कि हमने बच्चों को इंटरेक्ट किया. आजकल बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको हम गाइड कर सकें, एंड वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड दैट वी कैन डू सच अ थिंग. हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि जितनी नॉलेज आपके पास है आप बांटेंगे उतनी ही बढ़ती है. ये स्टूडेंट्स को यही सिखाना चाहते हैं कि आजकल बच्चे डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आपको शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती. एंड जो मैंने वहाँ पे बोला है कि स्माइल करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, क्योंकि हमारी थॉट्स बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होती हैं. जैसा हम सोचते हैं वैसा ज़रूर होता है, दैट आई हैव सीन इन माय ओन लाइफ. चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे आप सुबह घर से निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि आज अच्छा होगा, तो जनरली अच्छा होता है. कुछ अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा भी हो सकता है. जैसे आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जाम्पल. जैसे आने से पहले मैं अपनी ये चप्पल रख रही थी, मुझे लग रहा था कहीं टूट ना जाए, अभी टूट गई. सो इट्स यू नो, ये आपकी थॉट्स इतने पावरफुल हैं. जब हम मोबाइल और ये फैक्स और ईमेल्स जैसी चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग तो ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने जो बनाया, इट इज़ वेरी पावरफुल. सो हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो. थैंक यू. बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयरिंग सेशन था. देखिए, जो नॉलेज विच वी गेन इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अवर पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको हम जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा है. तो वही आज हमने किया स्टूडेंट्स के साथ. वो सब नॉलेज जो हमारे पास है उसको हमने शेयर करने की कोशिश करी. जो एजुकेशन है वो एक अलग चीज़ है, डिग्री एक अलग चीज़ है. तो बच्चे डिग्री तो सभी लेके जाते हैं, एजुकेशन कौन कौन लेके जाता है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है. तो वी वांट दैट जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं वो सिर्फ उनको एक जॉब ना मिले बल्कि दे शुड बिकम एम्प्लॉयबल, ताकि किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं पे भी जाए तो दे कैन फिट इन दैट. स्टूडेंट्स को ये उपदेश देना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे अपना टाइम जो है उसको अच्छा एंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम जो आपको एजुकेशन मिल सकती है, जो आप इंटरेक्शन करेंगे अपने सहपाठियों के साथ, उस एजुकेशन के साथ जो आप जाएंगे बाहर, तो आप किसी भी जगह जाके फिट हो सकते हैं, एम्प्लॉयबल हो सकते हैं. सो बेटर एम्प्लॉयबिलिटी तभी होगी जब आप यहाँ पर मेहनत करेंगे. MBA के जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनका इंडक्शन प्रोग्राम था, तो इंडक्शन प्रोग्राम में बच्चे जो जब सबसे पहले आते हैं तो उनको वेलकम करना और उनको मोटिवेट करना यहाँ के लिए. तो हम लोगों ने दो मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए थे, एक तो राकेश कोहली जी, उनकी वाइफ जो हैं श्रीमती मोनिका कोहली जी. तो ये लोगों ने बच्चों को ऐसे बातों से बताया, हर्षाया कि कैसे हम लोगों को अपनी तरक्की करनी चाहिए और कैसे पढ़ाई में और कैसे अपने फोकस जो एम हो उसमें फोकस करने की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स को तो यही टिप है, स्टूडेंट्स का तो यही टिप है कि वो लोग यहाँ आए हैं संस्था में, संस्था का पूरा लाभ उठाएं. जो भी अध्यापन कार्य हो रहा है और उसके अलावा बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, उन सब में पार्टिसिपेट करें जिससे कि वो एक होलसम पर्सन बने, जो कि पॉजिटिव फीलिंग के साथ में, जिससे कि वो देश की विभिन्न समझ के काम करने में सक्षम हो जाए.